नमस्कार दोस्तों, आज की यह वीडियो साइको कोचिंग सेंटर्स के नाम और उनकी जानकारी के ऊपर है। तो मैं पायलट समेत आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस वीडियो में। आई होप सभी अच्छे से होंगे और सबकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। तो ये जो वीडियो है साइको कोचिंग सेंटर्स के उन नामों के लिए नाम की जानकारी को लेकर है, और साथ ही साथ वो कहाँ थे, कहाँ हैं, और जो है उनकी कुछ जानकारी बात करी जाएगी इस वीडियो में। तो जैसा कि हम सभी जो जानते हैं कि अगर आप रेलवे में ALP और SM बनना चाहते हैं तो आपको रिटन एग्ज़ाम पास आउट होना चाहिए, और साथ ही साथ आपको साइको कोचिंग से मतलब सॉरी साइको एग्ज़ाम को पास करना बेहद ही ज़रूरी है। तो रिटन एग्ज़ाम का जो भी सिलेबस होता है, हम सभी को पता है कि क्या सिलेबस होता है। यहाँ तक कि वो आपका अगर आपने पढ़ा भी नहीं है सिलेबस, तो आप उसके एग्ज़ाम को देख के समझ जाते हैं कि ये चीज़ें किस तरह के क्वेश्चंस होते हैं। लेकिन जो साइको का सिलेबस होता है, जो साइको का पैटर्न होता है, वो इसके बिल्कुल डिफरेंट होता है, और उसको समझ पाना अगर आपने पढ़ा नहीं है, अगर आपने देखा नहीं है, तो बहुत मुश्किल होता है। नामुमकिन नहीं है, लेकिन हाँ मुश्किल होता है उसको समझ पाना। उसके लिए टाइम पीरियड मेंटेन कर पाना बहुत ही टफ़ पड़ जाता है एग्ज़ाम के लिए। तो उसी के बारे में बात करनी है कोचिंग सेंटर्स को लेके। लेकिन मैं इस वीडियो में यहीं पे स्टार्टिंग में बता देता हूँ, मेरा इस वीडियो को बनाने के पीछे किसी भी कोचिंग सेंटर्स को बढ़ावा करना या किसी भी कोचिंग सेंटर को गिराने के ऊपर नहीं है। मैं सिर्फ नाम बता रहा हूँ अपने सब्सक्राइबर के पूछने के बाद, क्योंकि मैं ये बता दूं कोई भी इसको इससे ना जोड़े कि ये कोचिंग सेंटर क्या बुराई कर रहे हो, मतलब इस कोचिंग सेंटर की अच्छाई कर रहे हो, क्या मेरा उस कोचिंग सेंटर से ना कुछ लेना ना देना है। लेकिन ये आपके पूछने पे मैं बता रहा हूँ, मैंने अपने जो न्यू ALP साथी ASM साथी जो आए हैं, मैंने उनसे इस बारे में पूछा कौन से कोचिंग सेंटर्स आप लोगों ने किए और आपके नज़रिए में कौन से अच्छे। तो उनसे जो पूछे गए सवालों के आधार पर मैं आपसे इस वीडियो में बात करूँगा। सही है, तो जिस तरह के आप हम सब जानते हैं कि राजस्थान में कोटा सिटी जो जानी जाती है एक तरीके से के इंजीनियरिंग और MBBS के एंट्रेंस एग्ज़ाम की प्रिपेयर को लेके, ठीक उसी तरह बिहार में जो पटना है उस वो भी इसी तरह से फेमस कह लीजिए रेलवे के एग्ज़ाम्स या RRB RRC के जो भी एग्ज़ाम्स हैं उनको लेके। तो उसी तरह साइको कोचिंग्स भी वहाँ पर काफ़ी हैं, और एक ही नहीं बहुत हैं। उसके अलावा जो उनमें से कुछ अच्छी कोचिंग्स के बारे में इस वीडियो में बात करूँगा, तो जो वो बात करनी है वो इस वीडियो में बात चलती रहेगी। लेकिन उससे पहले आप डिस्क्रिप्शन वाली वीडियो ज़रूर देख लें, क्योंकि क्यों करनी ज़रूरी है वो जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं आपको इन कोचिंग्स में जाके ही पढ़ना ज़रूरी हो। अगर आपकी सिटी में कोई भी कोचिंग सेंटर्स नहीं है, अगर कोई भी कोचिंग सेंटर्स आपके घर से बहुत दूर है, तो बेहतरी यही होगी जब दूर घर से दूर जाके ही पढ़ना है तो थोड़ा सा दूर और जाके पढ़ा क्यों ना जाए। तो जब घर से बाहर रह के पढ़ना ही पड़ा तो किसी ऐसी जगह जाके पढ़ें जो ज़्यादा ही अच्छी जगह हो, या जहाँ के टीचर्स या जहाँ की स्टडी या जहाँ का पैटर्न ज़्यादा अच्छा हो। हालांकि जैसा सभी जगह पे आज के टाइम में आप देखिएगा तो दिल्ली में, इलाहाबाद में और भी अन्य सिटीज़ में जितनी हैं, तो राजस्थान में तो कोचिंग सेंटर साइको की आपको मिल जाएगी, काफ़ी अच्छी हैं सभी जगह पर कोचिंग्स। लेकिन जैसा मैंने अपने रेलवे के अन्य साथियों से बात करी है जो रेलवे को न्यू अपॉइंटेड जो हुए हैं, तो और मैंने जब कोचिंग्स की थी तो उसकी भी मैंने एक वीडियो बनाई थी, उसका भी मैंने लिंक डाल रख दूंगा। तो उनके बातों के बाद में मुझे जो महसूस हुआ, मैं उसी आधार पे ये वीडियो बना रहा हूँ कि कौन सी कोचिंग्स करना बेहतरी होगा। तो मैं इस वीडियो में सिर्फ 3 कोचिंग सेंटर्स की बात करूँगा, और पहली सबसे अहम बात मेरे को ये इस वीडियो बनाने का ये मोटो या ये इसमें कोई भी मेरा उसके साथ कोई भी लिंक नहीं है कि मैं आपको ये कहूँ कि आपको यहाँ से जाना है। आपके कमेंट्स की वजह से सिर्फ ये वीडियो बना रहा हूँ, वरना मेरे को इसको बनाने की ना कोई ज़रूरत है ना, कि आप लोगों जो पूछना था कि आखिर कहाँ से करें, क्योंकि इसी वजह से मैं ये जवाब दे रहा हूँ। ना मेरा इन कोचिंग से कोई ताल्लुकात है, ना मतलब था, ना है और ना रहने वाला है, ठीक, ना आगे चल के मेरे को इनसे कोई मतलब रखना। सिर्फ ये मेरी वीडियो इन्फॉर्मेशनल वीडियो उनके लिए जिन्होंने पूछी थी, और ये जानकारी मैंने उनसे लिए जो यहाँ से पढ़ के आए हैं और जो न्यूली अपॉइंटेड हुए हैं। जैसा कि जब मैं अपॉइंट हुआ था उस समय से लेकर अब तक में काफ़ी मैंने बताया था कोचिंग्स आई हैं, तो इसलिए मैं 3 कोचिंग्स की बात करूँगा। पहले वापस कर बात कर लें तो कोचिंग्स के बाद, तो फर्स्ट वीडियो जो है वो सॉरी फर्स्ट की जो है वो KK झा की बात करते हैं, दूसरी में प्लेटफॉर्म को बात करें, तीसरी में जो मनोज कुमार मोदी हैं उनकी मोदी कोचिंग्स की बात की जाएगी। तो ये जो 3 कोचिंग्स की मैं बात कर रहा हूँ, तो ये मैं इसलिए कह रहा हूँ इनका नाम जो ले रहा हूँ, हालांकि और भी कोचिंग्स से आए हैं बहुत अन्य कोचिंग से, ये जो पाटलिपुत्र की जो है प्लेटफॉर्म की हैं, और भी अन्य कोचिंग जो हैं अन्य अन्य सिटियों में, दूसरे राज्य में हैं, बिहार की नहीं बल्कि अन्य जो शहर हैं उनकी भी अच्छी हैं। लेकिन जैसा कि मैंने जब ज़्यादा बात करी तो जो मैंने ज़्यादा रेशियो देखा है वो बिहार की कोचिंग से आए हुए ज़्यादा कैंडिडेट है अन्य सिटी के कंपेरिजन में अगर बात की जाए। तो जैसे कि अगर आप ALP में जितने भी न्यूली अपॉइंटेड ALP से मैं पूछूँ तो आपने कोचिंग्स कहाँ से करी, तो मोस्टली का जवाब यही होता है कि बिहार से। बाकी कुछ के जैसे जिसके घर के पास दिल्ली पढ़ा है, जिसके घर के पास इलाहाबाद पढ़ रहा है, या जिसके घर के पास में जैसे राजस्थान के कोटा वोटा में जो कोचिंग्स हैं वो पढ़ रहे हैं वहाँ पे, तो वो वहाँ से कर लिए हैं। लेकिन ज़्यादातर अगर रेशियो देखा जाए तो वो बिहार का है।
तो बिहार में जैसे ही कोचिंग सेंटर की बात की जाए तो पटना काफ़ी फेमस रहता है रेलवे के कोचिंग्स को लेकर। तो मैं वापस बात करता हूँ के झा की, जो कोचिंग सेंटर्स की के कितने दिन का पैटर्न रहेगा, क्या फीस रहेगी, किस तरह से पढ़ाई होगी और भी जो तमाम बातें जो उनसे जुड़ी हुई है। तो इसी के साथ के झा की बात शुरू करते हैं। जो टीचर्स का नेम जो है जो के झा है और इनके अपना एक कोचिंग सेंटर्स है जो आपके बिहार के पटना में ही है। लोकेशंस मैं बताता हूँ अभी, अमर ज्योति कोचिंग सेंटर्स हैं। अच्छा ये जो चीज़ है आपको मैं बता दूँ, इसमें सभी का जो है पैटर्न की मैंने बात करी थी तो पैटर्न की वीडियो जरूर देख लीजिएगा। पैटर्न हालांकि चेंज होता रहता है लेकिन फिर भी एक बार आप देख लेंगे तो आपको थोड़ा सा एक आइडिया हो जाएगा उस पैटर्न वीडियो को देखने के बाद। तो ये जो भी क्लासेस या जो भी कोचिंग्स की है, जितनी भी कोचिंग्स है, सभी का नियरेस्ट जो कोचिंग्स का पीरियड है वो 1 वन वीक का होता है, यानी करीब 6 दिन की कोचिंग क्लास होती है ना। तो इसी तरीके से इनके यहाँ पे भी 6 दिन की कोचिंग क्लास होगी और सभी में भी वही टाइमिंग सी सेम सी होती है। किसी में 4 घंटे की क्लास होगी, किसी में 5 घंटे, किसी में मॉर्निंग में 2 घंटे, फिर जो होता है कि 4 बजे इवनिंग में 2 घंटे की क्लास हो जाती है ना। तो ये सारी चीज़ें लगभग से सेम है। उसके अलावा जैसे फैसिलिटीज़ की बात कर ली जाए तो इनके यहाँ भी हॉस्टल सुविधा है अगर जो भी स्टूडेंट्स आते हैं बाहर के, क्योंकि सभी इन कोचिंग्स में जो भी आता है वो बाहर से ही काफ़ी सिटीज़ के आते हैं, तो सभी में आपको होटल सुविधा मिलने वाली है। जो कि मैं अगर यहाँ की बात करूँ, जैसे मैंने जाना है तो यहाँ पे जो हॉस्टल जो मिल जाता है वो 100 रुपये के रेंट पे मिल जाता है, पर डे के 100 रुपये के रेंट पे मिल जाता है। और खाना जो भी आपको मुनासिब लगे वो आप खा सकते हैं पास में। और जैसा कि इसमें टाइमिंग मैंने बताई 4 से 5 घंटे, तो ये है। अच्छा और इसमें मैं आपकी अमाउंट की बात बता दूं, जैसा कि मेरे को पता चला इसमें कि ये फ़ीस कितनी है इनकी, तो जब मैंने पढ़ा था उस समय से लेकर अब मैं फ़ीस बहुत बढ़ चुकी है। तो फ़ीस इनकी जो है 3,000 रुपये है ALP की, और ASM की भी 3,000 रुपये है। तो फ़ीस जो है आपकी फ़ीस 3,000 दोनों के लिए, मैं बता रहा हूँ कि ALP के लिए भी 3,000, ASM के लिए भी 3,000। और लोकेशन की अगर बात कर ली जाए तो अमर ज्योति कोचिंग सेंटर प्राइवेट लिमिटेड है जो पूरा नाम है इनका, और ये आपका जो है 3rd फ्लोर है, दिशा कॉम्प्लेक्स है, अपोजिट पटना यूनिवर्सिटी, मेन गेट अशोक राजपथ पटना है ना। तो ये इनकी लोकेशन है जहाँ पे ये है। तो इनके बारे में एक बात और बता दूँ, जो कि अगर इनके बारे में नहीं जानते होंगे, के झा के बारे में जो भी अगर पढ़ भी रहे हैं तो शायद बहुत कम लोगों को इसके बारे ये बात पता है कि पहले पाटलिपुत्रा में ही पढ़ाया करते थे, उसके बाद इन्होंने अपना कोचिंग सेंटर खोल लिया, उसके बाद ये अपना चला रहे हैं। जैसा ही होता ही है जब कोई ज़्यादा बड़े हो जाते हैं तो फिर अपनी कोचिंग सेंटर्स, हर कोई चाहता है कि मैं अपना सेंटर्स बनाऊं और मैं अपना ही खुद चलाऊं। और अगर मैं दूसरी जो कोचिंग सेंटर्स की बात की थी वो मैंने प्लेटफॉर्म की भी बात की है। जो प्लेटफॉर्म की कोचिंग सेंटर्स आप देखिएगा तो सबसे पहले बिहार में ही थे, लेकिन अब ये आपको अन्य जो भी शहर बड़ी सिटियों में आपको प्लेटफॉर्म कोचिंग सेंटर्स जो आपको मिल जाएंगे। मैं साइको की बात नहीं कर रहा हूँ, अन्य कोचिंग्स की बात कर रहा हूँ, जैसे SSC CGL वगैरह की, या बैंक BO वगैरह के लिए, क्लर्क के लिए, और रेलवे की वगैरह के लिए भी। तो प्लेटफॉर्म एक कोचिंग सेंटर है एक तरह से, वो कोचिंग्स की है। और सी में ही जो एक साइको का सब्जेक्ट जो है बिहार के पटना में आपका प्लेटफॉर्म कोचिंग सेंटर है, वहाँ पढ़ाया जाता है। और टीचर्स का नाम मेरे को याद नहीं है जब मैंने जाना था, और जिससे मैंने पूछा था उसके कॉन्टैक्ट नंबर ना होने की वजह से मैं बात नहीं कर पाया। तो इस वजह से सिर्फ मेरे को इतना उन्होंने बताया था कि प्लेटफॉर्म कोचिंग सेंटर्स भी काफ़ी अच्छा, और वहाँ का जो है रिजल्ट भी काफ़ी अच्छा रहता है। तो प्लेटफॉर्म कोचिंग सेंटर्स की भी बात की जाए तो प्लेटफॉर्म कोचिंग सेंटर्स दूसरी और तीसरी जैसे मैं बात करता हूँ तो मनोज कुमार मोदी जी, तो जहाँ से मैंने खुद कोचिंग करी थी, जैसा कि मैंने अपनी एक वीडियो में भी बताया था कि मनोज कुमार मोदी कोचिंग सेंटर्स के बारे में कहाँ पे है। जो ये है आपके मनोज कुमार मोदी जी जो हैं, है ना, इनकी एक बुक भी आती है विद्यासागर की, और बुक्स वाकई में अगर अच्छी है, अगर आपको बुक्स से पढ़ना चाहते हैं, अगर आप घर पर रह के पढ़ना चाहते हैं, तो इनकी विद्यासागर के पब्लिकेशन की एक बुक आती है मनोवैज्ञानिक परीक्षण को लेके, तो आप वो उसको घर पे ही रह के पढ़ के तैयारी कर सकते हैं। तो अगर आपको कोई एडवाइस करने का बेटर हो, कोई भी घर में जो जानता हो थोड़ा बहुत, तो उसको लेके। तो ये 3 कोचिंग्स की बात थी, पहली जो थी मेरी KKJA, दूसरी पर मैंने बात की प्लेटफॉर्म, तीसरी मैंने मनोज कुमार मोदी जी। तो अब जो मनोज कुमार मोदी हैं इनके अगर लोकेशन की बात करूँ तो इनका आवास जो है जो रहने वाले वो बिहार के नवादा के हैं, पहले नवादा में पढ़ाया करते थे और वर्तमान में अगर जो है ये इलाहाबाद में पढ़ा रहे हैं, तो इलाहाबाद में इनका कोचिंग सेंटर्स अभी ये चला रहे हैं। तो इसके बारे में लोकेशन की जो मैंने बात की थी तो मैंने अपनी एक वीडियो में बात करी है, उसका भी मैं लिंक दे दूँ, अगर बात करेंगे तो वीडियो की लाइक तो बढ़ती जाएगी, इसलिए मैं ज़्यादा बात नहीं करता। इन 3 कोचिंग सेंटर्स की मैंने नाम की बात की, और दोबारा मैं बोल दूँ मेरा किसी भी कोचिंग सेंटर से ज़्यादा कोई भी टाइप कोई भी रिलेशनशिप नहीं है, आप करिए या ना करिए ये आपके ऊपर है ना। मेरा किसी से भी कोई भी ना लेना ना देना एक है, ये मैं किसी के वो उनके प्रमो या उनके प्रचार के लिए नई वीडियो बना रहा, ये वीडियो मैं आप लोगों के लिए बना रहा हूँ पहली चीज़, और ये कमेंट्स को देखते हुए मैंने बनाया। बाकी जैसे मैंने बताया भी था कि कोचिंग्स क्यों करनी चाहिए वो वीडियो एक बार और देख लेना,
तो आपको समझ में आ जाएगा कोचिंग करना इनके पास जाना ज़रूरी है या नहीं है। बस उस वजह के बाद अगर आपको ज़रूरी लगता है तो आप ज़रूर कीजिएगा। और बिहार के पटना ज़रूरी नहीं आप इनसे कीजिए, मैं नहीं कहता कि आप इनसे कीजिए, आपको जो सही लगता है आप वही कीजिएगा। बस ये है कि ये जो मेरे जो फ्रेंड्स जो आए हैं बस उनने यहाँ से करके आए हैं तो उसकी वजह से मैं आपको इनको कर रहा हूँ। बाकी और की भी जगह से आए हैं जैसे कि पाटलिपुत्र आपका दिल्ली का है, वहाँ से मेरे पास में मेरे स्टाफ में काफ़ी लोग हैं, और भी जगह हैं जिनकी वो हैं, तो इसलिए दिल्ली का, हाँ एक दिल्ली में मुखर्जी नगर करके एक बहुत फेमस जगह है तो उससे भी हैं। तो ये मेरा इन कोचिंग सेंटर्स को लेकर ये नहीं कहना कि आपको इनसे करना, बस उस कमेंट्स के रिप्लाई के लिए वीडियो है जो कमेंट्स में से उस वीडियो पर किए गए हैं कि आप साइको कोचिंग सेंटर्स के बता दें कि कौन सा करना सही रहेगा। तो मैं कहता हूँ ये तीन कोचिंग सेंटर्स की, जिसमें आपका अमर ज्योति कोचिंग सेंटर्स प्राइवेट लिमिटेड जो है के झाकी, और दूसरी प्लेटफॉर्म कोचिंग में है जो बिहार के पटना में ये भी है, और जो तीसरी मैंने बात की थी मनोज कुमार मोदी जो आपका इलाहाबाद में इस समय इलाहाबाद में है। तो ये तीन कोचिंग सेंटर्स की मैंने बात की है। अब इसमें से जो भी आपको सही लगता है वो आप कर सकते हैं, बेहतरी आपकी है, ठीक ना। बस इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो थी, इसी के साथ ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। और मनोज कुमार मोदी की जो लोकेशन की मैं ज़्यादा बात नहीं कर रहा वीडियो में, वो आप मेरी नेक्स्ट वो जो मेन वीडियो का लिंक डालूंगा उसमें आप पूरी वीडियो में देख सकते हैं। तो इसी के साथ यहीं वीडियो समाप्त करते हैं, और चैनल पर रहें बने रहने के लिए एक बार फिर से आप सभी का बहुत 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 शुक्रिया। तो इसी के साथ शुक्रिया, बाय बाय, धन्यवाद।